अस्सलामुअलैकुम। प्योर देसी फूड में आज हम बना रहे हैं दलीम। पानी रख लिया हमने बॉयल करने के लिए। मैं इसमें दालें डालूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, सुरख मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, हल्दी। हल्दी डाल के दालों बॉयल करने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से घुल जाए। दालें भिगोए हमें 6 घंटे हो गए। इसमें मसूर की दाल नहीं डाली, बाकी सारी दालें हैं। मूंग, चने, माश, चावल, चारों चीज़ें इसमें मिक्स हैं। गंदम और जौ ये मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, ये भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। मैं दालें अब हम इसके अंदर डाल देंगे। दालें और साथ में ये गंदम और जौ, अब ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। मसूर की दाल को मैंने भिगोया नहीं था, अब मैं इसको वॉश करके ये भी हलीम में डाल दूंगी। अब जैसे ही दालों को बॉईल आ जाएगा मैं इसमें ये 2 पैकेट शान के हलीम मिक्स के डाल दूंगी साथ। आप किसी भी कंपनी के डाल लें, मैंने शान के डाले हैं। अब हम हलीम के लिए कोरमा बनाएंगे। 1 किलो का पैकेट मैंने घी का डाला है। अब हम इसमें पहले गरम मसाले डालेंगे, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची डाल के अब इसके साथ ही हम प्याज को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। 2 किलो मेरा चिकन है, इसमें मैंने 1/2 किलो प्याज लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज मेरा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अंदर डालूंगी 1/2 किलो दही। दही और लहसुन अदरक जब अच्छी तरह से भून जाएगा तो मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूंगी। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये स्पाइसेस, सूखा धनिया, सुरख मिर्च और नमक। इसमें मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का भी डाला है। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1/2 डाल के मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया है। इसकी जो तरी है वो मैं इसको लैदा जब भुनाई करूंगी इसकी तरी को उतार के बाहर रख लूंगी लैदा। दालों का अब हम बीच बीच में गोटा लगाते रहेंगे ताकि दालें अच्छी तरह से हमारी घुल जाएं। दालें हमारी ऑलमोस्ट घुल चुकी हुई हैं। अब मैं मज़ीद 1 घंटा चिकन अभी डालना है। चिकन डाल के फिर दोबारा घोटा लगाएंगे। बस अल्लाह पाक बरकत डाले। चिकन को अब मैश कर लें।
लेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। हलीम की फाइनल लुक, हलीम हमारा तैयार हो चुका है। मैंने इसको तड़का लगाया प्याज फ्राई करके, इसमें गरम मसाला डाल के, और साथ में ये चीज़ें सर्व करेंगे।